शाही पनीर बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे हीट होने के बाद मस्टर्ड ऑयल 4-5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जीरा, इसे अच्छे से चटकने देंगे। ये अच्छे से चटक चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून शाह जीरा। उसके बाद ये हल्का चटक जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, लहसुन की कलियाँ, फिर इसमें ऐड करेंगे मिर्ची एक जिसे मैं टुकड़ा कर ली थी, और यहाँ अदरक 1 इंच अदरक ली थी मैं जिसे चॉप कर ली थी। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज के प्याज मोटे मोटे जिसे मैं कट कर ली थी। इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, इसे बस हमें हल्का पकाना है, ऐसे हल्का पका लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स 1 टमाटर जिसे मैं मोटा मोटा कट कर ली थी। फ्रेंड्स अभी टमाटर महंगा है, वरना मैं इसमें 2-3 टमाटर ऐड करती हूँ। अब इसे हल्का भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 8-10 काली मिर्च, दो हरी इलायची अब इसमें ऐड कर देंगे हम, और 4-5 इसमें लौंग ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब चाल मगज, जिसे हम खरबूजे का बीज भी कहते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स 4-5 काजू, और इसे अच्छे से एक बार हम पूरा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टेबल स्पून के करीब नमक, ताकि नमक से ये हमारा अच्छे से गल जाए, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे, ताकि ये जो हमारे सब्जी है टमाटर प्याज ये सब मिर्ची वगैरह ये सब अच्छे से पक जाए गल जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे गैस बंद करके 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने को रख देंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हम निकाल लिए हैं। अब एक मिक्सी के जार में डाल के इसे हम पीस लेंगे, एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है हमें इसका। फ्रेंड्स हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे, वापस से वही कढ़ाई चढ़ाएंगे, 1 टेबल स्पून के करीब बटर डालेंगे इसमें, ये हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम 3-4 टेबल स्पून के करीब फूड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, और 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी। देख सकते हैं 2 मीडियम साइज़ के ये प्याज है, इसे मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब इसे गोल्डन ब्राउन होते तक भून लेंगे अच्छे से। वन मिनट का प्रोसेस लगेगा इसे भूनने में, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट में अच्छे से हमारा सुनहरा कलर आ जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, प्याज हमारा भून चुका है। अब जो मैं पेस्ट तैयार करके रखी थी वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, सारा पेस्ट इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे, और 1 सेकेंड के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज में, ताकि ये हमारे प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, मैं यहाँ यूज़ करूँगी कलर आने के लिए। फ्रेंड्स इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी। अब 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग आपने इसमें अपना नमक ऐड कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करके इसे। 1 टेबल स्पून या अपने 1/2 टेबल स्पून मैं कर रही हूँ, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
दो से तीन मिनट का हमारा प्रोसेस लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे जो मसाले थे पहले ही मैं भूनकर पीसी थी, पेस्ट तैयार की थी, तो इसे दो मिनट के लिए अच्छे से एक बार भून लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर, जो मैं क्यूब्स शेप में कट करके रखी थी। ये पनीर को इसमें ऐड करके दो मिनट के लिए अच्छे से इसे भूनना है, ताकि जो हमारा पनीर है उसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, पनीर में अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब यहाँ हाफ ग्लास के करीब मैं वाटर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ढक के इसे एक मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारा जो पानी का कच्चापन होता है वो निकल जाए। देख सकते हैं ये बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज के, मैं परत निकाल के रखी थी, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसा ये वन प्याज का मैं ऐसे निकाल के रखी थी, मीडियम साइज़ का प्याज था, वो इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देख सकते हैं आप, हमारा शाही पनीर बनकर रेडी है। अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हमारा शाही पनीर। तो आप लोग अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को हमारा रेसिपी शाही पनीर का? मुझे पता है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, पर आप लोग लाइक नहीं करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर के आते रहूँ। इसके लिए आप लोगों को लाइक करना जरूरी है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमारा वीडियो को देखते हैं तो लाइक करना ना भूलें। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता रखी थी कि मैं आप लोगों के लिए सारे मॉम के टेंशन दूर करने के लिए झटपट जल्दी से लेकर के आने वाली हूँ लंच की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है लंच की रेसिपी की। मैं आप लोगों को 5 days 5 different टाइप्स के लंच आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो झटपट बनेगा। आप मॉर्निंग उठ के अगर लेट भी उठते हैं तो आप झटपट इसे बना सकते हैं, और बच्चों को पसंद भी आने वाली रेसिपी है ये हमारी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। मैं आप लोगों के जो लंच का रेसिपी लाई हूँ और मॉम के टेंशन को दूर करने के लिए लाई हूँ। मेरी भी टेंशन थोड़ी बहुत इससे दूर हो गई है कि मैं अलग अलग रेसिपी अब बना सकती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।